नेक्स्ट ये देखो सॉल्व करो, अज्यूम सन टू बी ए स्फेरिकल बॉडी। हमें क्या मानना है, सन को एक स्फेरिकल बॉडी एज्यूम करना है, ऐसा बताया जा रहा है। स्फेरिकल आर रेडियस, सरफेस रेडियस आर है, रेडिएटिंग लाइट के ब्लैक बॉडी टेम्परेचर टी, द पावर रिसीव्ड बाय द यूनिट सरफेस नॉर्मल टू इंसिडेंट आर फ्रॉम द सेंटर, जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल वैसे ही है यार, ठीक है। अब अगर मैं सर को, सन को एक स्फीयर मान लूँ, ठीक है, सन को एक स्फीयर मान लूँ, ठीक है, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। अज्यूम सन टू बी स्फीयर ऑफ आउटर रेडियस स्मॉल आर है, ठीक है, स्मॉल आर, इसकी रेडियस स्मॉल आर ले लेना है, ठीक है, और ए ब्लैक बॉडी टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस पे है, तो टी डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ टी प्लस 273 केल्विन पर है, ठीक है, 273 केल्विन पे है। द पावर रिसीव्ड ऑफ द यूनिट सरफेस, यूनिट सरफेस यहाँ से यूनिट सरफेस कैपिटल आर डिस्टेंस पे चले जाओ, एक यूनिट सरफेस एरिया है जिसकी यूनिट है 1 मीटर स्क्वायर कोई सरफेस एरिया है, यूनिट सरफेस एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। हम सबको पता है कि पावर, अगर कोई सन इज ए ब्लैक बॉडी, अज्यूम सन टू स्फेरिकल आउटर सरफेस ऑफ ब्लैक बॉडी, अगर मैं सन को एक ब्लैक बॉडी अज्यूम करता हूँ तो मैं स्टीफेंस लॉ लगा दूँ, ठीक है, स्टीफेंस लॉ इज इक्वल टू ई एनर्जी रेडिएटेड सिग्मा इमिसिविटी एरिया ए टी टाइम, दिस इज द एनर्जी रेडिएटेड, टी टाइम में ये एरिया लेके कोई भी बॉडी इतनी एनर्जी रेडिएट की है। यहाँ पावर का बात कर रहा है, तो पावर का बात करता है तो ई स्मॉल टी इज इक्वल टू सिग्मा, और ब्लैक बॉडी है तो ई की वैल्यू 1 हो गई, और एरिया इस सन की एरिया आ जाएगी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और ये कैपिटल टी की पावर 4, और ये आ जाएगा पावर इज इक्वल टू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर सिग्मा और टी प्लस 273 की पावर 4। दिस इज द पावर रेडिएटेड बाय द सन इन द गिवन डेटा, ये जो डेटा दिया हुआ क्वेश्चन का उसके टर्म में ये है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है यूनिट सरफेस कितनी पावर रिसीव करेगा उसका एक फार्मूला है, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी रिसीव्ड एट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। ई बाई टी को मैं पावर लिख सकता हूँ एरिया ए, इसका मतलब ये हुआ कि पावर ऊपर कैलकुलेट करके लाए हो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर सिग्मा और टी प्लस 273, ठीक है, 273 और पर यूनिट एरिया ये डिवाइड किया गया है तो ये पर यूनिट एरिया हो गया, और आर डिस्टेंस पे 4 पाई आर स्क्वायर, ये आर डिस्टेंस पे, ठीक है, तो ये 4 पाई ने, इसका मतलब ये हुआ कि आर स्क्वायर सिग्मा टी प्लस 23, आर स्क्वायर सिग्मा प्लस 23, ये सी ऑप्शन सही है ना। बहुत बेहतर तरीके से समझाया हूँ, समझ लेना।